चाला कहाँ है? जी वो कोई बुकिंग करवा रही है फोन पर। आपको कोई काम है क्या? मैं चाहता हूँ कल फुरले कंपनी के साथ मीटिंग कर लूँ। चाला आए तो उससे कहना मीटिंग सेट कर ले। और हो सके तो इजे पुरिज्म से भी मेरी बात करवा दे। कह देना उसे। मैं उन्हें बता दूंगी और मैंने लिख भी लिया है। हाँ वो एक और बात थी, चाला से कहना कि टेबल के बारे में प्लीज इसे साइलेंट पे कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। I'm very sorry, sir. जी कहिए। क्या कहिए? आपने कहा टेबल और उसके बाद आप खामोश हो गए। पता नहीं भूल गया, याद आ गया तो बता दूंगा। ऑफिस में किसी के भी फोन की आवाज ना आए मुझे, और अपने पर्सनल फोन साइलेंट पे रखिए। ऐसी लड़की आपसे डिस्टेंस रखने लगे बिला वजह, तो समझें कि ये एक खतरे की घंटी है। कोई ऐसी ऑफर करें जिस पर वो इनकार ना कर सके, और अगर फिर भी इनकार कर दे तो फिर सीरियस गड़बड़ है। कैसी बातें करता है दुरुक, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हुआ तो क्या करूंगा मैं? कोई ऐसी ऑफर करें जिस पर वो इनकार ना कर सके, और अगर फिर भी इनकार कर दे तो फिर सीरियस गड़बड़ है। जी मुराद सर, कहिए क्या आपको याद आ गया? क्या? जो आप भूल गए थे टेबल और फेयर के बारे में। नहीं, दरअसल कुछ और बात है, मुझे कुछ काम है। प्लीज अंदर आओ। तुम आ रही हूं। जी सर कहिए, क्या काम है आपको? भूख लग रही है। अच्छा बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? कुछ दिन पहले आपने बीफ ऑर्डर किया था, वो आपको बहुत पसंद आया था। आज क्या खाना पसंद करेंगे आप, स्टेक या सैलेड? नहीं, स्टेक नहीं। अगर आप चाहें तो चिकन और पास्ता और मशरूम्स मंगवा दूं। नहीं वो भी नहीं। फिर? दरअसल काम का बहुत स्ट्रेस है मुझ पे, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि हम दोनों कहीं बाहर खाना खा लें। हम दोनों? मतलब आप और दुरुक सर? अच्छा बताएं कौन से रेस्टोरेंट में आपकी बुकिंग करवा दूं मैं? नो, दुरुक काफी बिजी है। दरअसल मेरा मतलब है कि मैं और तुम, मतलब तुम और मैं बाहर खाना खा लें। भूख लग रही है तुम्हें? बिल्कुल मुझे भूख लग रही है। जबरदस्त। मगर मेरा प्लान किसी और के साथ है लंच पे जाने का। मैंने उसके साथ वादा किया था कि मैं उसके साथ लंच करूंगी। ये क्या कर रहे हो हयात तुम मेरे साथ? क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ? यही सब, दूर रहना, अजनबीपन, फासला रखना। जैसा आपने कहा वैसा ही कर रही हूँ मैं मुराद सर। आपने उस दिन मुझसे कहा था ना कि अपनी जिंदगी में किसी को आने दो हयात, तो बस वही कर रही हूं मैं।
क्या मतलब है इस बात का? क्या कोई तुम्हारी जिंदगी में आ गया? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सब चीजें शुरू हुई हैं। अब मैं इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। पहले मैं मालूम करूंगी कि वो मुझसे वाकई प्यार करता है। पता चले कि औरों की तरह वो भी मेरे साथ गेम खेल रहा हो, उसके बाद मैं ये सोचूंगी कि इसको जिंदगी में जगह देनी है या नहीं।